मध्य प्रदेश के मंदसौर में लगातार बारिश का दौर जारी है, जिसके चलते मंदसौर जिले के शामगढ़ तहसील के सगोरिया गांव के पास बनी एक पुलिया पर पानी के तेज बहाव के कारण एक व्यक्ति बाइक सहित बह गया था। युवक को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया और बाइक पानी में बह गई। ग्रामीणों की मदद से बाइक को भी बाहर निकाल लिया गया। पुलिस ने बाइक को अपने कब्जे में ले लिया। पुलिस का कहना है कि हमारे बार बार मना करने पर भी बाइक सवार नहीं माना और पुलिया पर पानी होने पर भी निकालने की कोशिश में बह गया था। ऐसा बताया जा रहा है कि युवक शराब के नशे में था, उसे तो निकाल लिया गया मगर बाइक पानी में बह गई। युवक पास ही गांव का बताया जा रहा है। क्या हुआ? नहीं, यहाँ पानी ज्यादा था तो उस साइड से रोका उसको, लेकिन वो माना नहीं। थोड़ा सा नशे में था, गाड़ी निकाली तो बह गया, रोक लिया, हालांकि बचा लिया, उसको भी सुरक्षित निकाल लिया, गाड़ी भी सुरक्षित निकाल ली है। और अभी यातायात रोका हुआ है यहाँ का, तो पुलिस व्यवस्था पूरी तरीके से बनी हुई है, दोनों तरफ से यातायात रोका हुआ है। जैसे ही होगा पानी कम, वैसे ही यातायात शुरू कर दिया जाएगा। अच्छा, उसका पता चला कौन था, कहाँ का था? आकली का बता रहे हैं, आकली का लड़का था। अच्छा, वो कहाँ गया? और उसको तो सुरक्षित पहुँचा दिया है उसके परिवार वालों के साथ, और गाड़ी को थाने पर ले जाएंगे उसको। क्या देंगे? आपका नाम? मेरा नाम लखनगोड, थाना शामगढ़ से। मध्य प्रदेश में लगातार बारिश की वजह से मंदसौर के शामगढ़ तहसील में एक युवक बाइक सहित नदी में बह गया, जिसकी वजह जिसको ग्रामीणों की सहायता से उसे सुरक्षित बाहर निकाला गया। बताया जा रहा है कि युवक गाड़ी के नशे में धूप था, जिसकी वजह से हादसा का शिकार हुआ। समाज एक्सप्रेस के लिए भोपाल से अमर वर्मा की रिपोर्ट। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं।